हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लस वन अकाउंटेंसी डेटर्स से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट है टोटल हम कंप्लीट करेंगे आज एक ही क्वेश्चन में। तो आप देखते जाइए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो जो ट्रायल बैलेंस में दिया है। भाई ट्रायल बैलेंस आप लोगों को आता होगा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस हम कैसे कैसे शो करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में आपके पास आइटम्स दी होगी और बाकी उसके बाहर दी होगी। बाहर वाली को क्या बोलते हैं हम, एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में डेटर्स से रिलेटेड भी हो सकती है। अब कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे टफेस्ट बोलते हैं इसको तो हम करने वाले हैं ये। सबसे पहले भाई ट्रायल बैलेंस में देखो, ट्रायल बैलेंस में आपके पास क्या क्या दिया होगा। सबसे पहले डेटर्स दिए होंगे, ट्रायल बैलेंस में क्या क्या हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है भाई, डेटर्स बैड डेट्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकता है, प्रोविजन फॉर फॉर डाउटफुल डेटर्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तीन चीजें आपके पास किसमें दी हो सकती है। अच्छा एक चीज और होगी इसमें दी हुई, भाई क्या चीज, मान लो डिस्काउंट भी दिया है, क्या दिया है और क्या दिया है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें आपके पास ट्रायल बैलेंस में दी हो सकती है रिलेटेड टू डेटर्स। किससे रिलेटेड, डेटर्स से रिलेटेड। और इसके बाहर एडजस्टमेंट में ये ट्रायल बैलेंस में दी होगी और एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया होगा भाई, एडजस्टमेंट्स में आपके पास सबसे पहले दिया होगा जिसको बोलते हैं हम बैड डेट्स, एक अंदर ट्रायल बैलेंस में होगा एक बाहर होगा भाई एडजस्टमेंट में बैड डेट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। दूसरा जो है वो होगा आपका जो बाहर होगा दिया हुआ होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स, कितना भाई परसेंटेज में दिया होगा कुछ ना कुछ यहां पे, और क्या दिया होगा बाहर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। भाई ये देखो आपके पास डेटर्स बैड डेट्स प्रोविजन डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये आपके पास इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा दिया हुआ। आपके पास मैक्सिमम ये पांच चीजें हो सकती है ट्रायल बैलेंस में डेटर्स से रिलेटेड, और बाहर आपके पास तीन है, बैड डेट्स दिए होंगे, प्रोविजन दिए होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे देखो, स्टार्ट करते हैं। मान लो डेटर्स आपके पास कितने हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर देखो हाँ कैलकुलेशन के लिए आपको अमाउंट्स लेना जरूरी है। डेटर्स मान लो आपके पास कितने दिए, मान लो 50,000, कितने दिए 50,000। बैड डेट्स आपके पास मान लो कितने हैं 1500, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स प्रोविजन कितना दिया है मान लो 500। डिस्काउंट कितना दिया मान लो 200। डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना दिया है मान लो 100, ठीक है। बैड डेट्स बाहर कितने दिए मान लो कितने भाई 500। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स कितना दिया मान लो कितना है 5%, कितना है भाई 5%। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%, कितना है 2%। तो मेरा क्वेश्चन कंप्लीट है, अब हमने क्या करना है इसको आके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। सबसे पहले कहां जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे बैड डेट्स, क्या लिखेंगे बैड डेट्स, ठीक है। कितने जो ट्रायल बैलेंस में दिया आपके पास, कितने दिए 1500, कितने दिए भाई 1500 बैड डेट्स हमने लिख लिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, ऐड कहां पे, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐड करेंगे हम फर्दर बैड डेट्स, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स ऐड करेंगे, कितना फर्दर बैड डेट्स हम किसको बोलते हैं जो यहां पे दिया होगा, कितना दिया 500, तो इसको हम एडजस्ट कर देंगे 500, कितना बन गया भाई 2000, कितना बन गया 2000। ऐड क्या करेंगे इसमें, न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कौन सा होता है भाई, न्यू प्रोविजन देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स कितना दिया है 5%, इसको बोलते हैं हम न्यू प्रोविजन। क्या बोलते हैं इसको, न्यू प्रोविजन। निकालते कैसे हैं देखो, सबसे पहले जो डेटर्स दिए हैं
ट्रायल बैलेंस में कितने दिए 50,000, कितने दिए 50,000, 50,000 में से पहले जो बाहर फर्दर बैड डेट्स दिए एडजस्टमेंट में उसको माइनस कर दो, तो कितना बच गया 49,500, जो बचे हुए उसके ऊपर कैलकुलेट करना है 5%। देखो भाई, 20 से 20, 55 से 25, 5 9 45 प्लस 2 कितना हो गया भाई 47, 5 4 20 24 हो गया, ठीक है। तो 2 4 7 5 तो कितना आ गया 2 4 7 5, कितना बन जाएगा भाई 5 7 4 4। अब हम क्या करते हैं, जो प्रोविजन आपके पास अंदर दिया है ट्रायल बैलेंस में इसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, जो बाहर दिया है वो न्यू प्रोविजन है उसको ऐड करते हैं, और जो अंदर प्रोविजन दिया डाउटफुल डेटर से रिलेटेड उसको लेस करते हैं। तो लेस कर देंगे यहाँ पे लेस ओल्ड प्रोविजन, कितना दिया भाई ओल्ड प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 500, तो कितना आ गया ये जो भी आएगा उसको आगे लिखे 5 7 14 minus 5 9 and 3 3 9 7 5। भाई ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे यहां तक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो डिस्काउंट दिया है, जो डिस्काउंट दिया है ट्रायल बैलेंस में उसको लिख लो डिस्काउंट, कितना दिया है डिस्काउंट आपके पास है 200, कितना है 200, ऐड करेंगे इसमें न्यू प्रोविजन, क्या करेंगे न्यू प्रोविजन किससे रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिस्काउंट ऑन डेटर्स 2%। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, डिस्काउंट जो करना है कैलकुलेट किसका, डेटर्स के ऊपर, वो कैसे करेंगे, सबसे पहले डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस किया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद न्यू प्रोविजन भी क्या करना है आपने लेस करना है, न्यू प्रोविजन कितना आया हमारे पास 2475, तो कितना 10 minus 5 5 9 minus 7 2 0 7 and 4 4 7 0 2 5 4 7 0 2 5, इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम 2%, वो आ जाएगा हमारा न्यू प्रोविजन डिस्काउंट से रिलेटेड, तो 2% कर दो इसके ऊपर 2 divided by 100, ठीक है, कितना आ गया भाई, ये बन जाएगा 470.25 into 2 2 5 is 10 2 2 is 4 5 2 0 0 2 7 is 14 2 4 is 8 9, ठीक है, पॉइंट दो के बाद है दो 940.5, तो इसको हम 941 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 941, ठीक है भाई, तो ये कितना बन गया 1 4 और 11 41 बन गया, कितना बन गया 1141। न्यू देखो डिस्काउंट यहाँ पे दिया है, डिस्काउंट लिखा न्यू प्रोविजन का मतलब है डिस्काउंट से रिलेटेड जो प्रोविजन बाहर दिया उसको क्या बोलेंगे न्यू प्रोविजन, और न्यू प्रोविजन निकालते कैसे भाई हम, सबसे पहले डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस न्यू प्रोविजन, ये जो है वो क्या है न्यू प्रोविजन लेस किया जो आया उसके ऊपर 2% कैलकुलेट कर दिया, एड कर दिया, लेस क्या करेंगे भाई यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन डिस्काउंट से रिलेटेड है भाई, है कितना 100, लेस कर दो इसमें से, तो कितना आ गया ये 1401, तो ये आगे चला गया यहाँ पे, तो इससे डेटर्स से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की वो कंप्लीट होगी। अब करेंगे हम बैलेंस शीट में इसका क्या क्या होगा, देखो भाई बैलेंस शीट में देखते हैं, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या करेंगे भाई एसेट साइड में डेटर्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेटर्स, कितने डेटर्स 50,000, लिख लो इसको 50,000, लेस क्या करेंगे फर्दर बैड डेट्स, कितने हैं फर्दर बैड डेट्स हमारे पास ये वाले जो नीचे दिए फर्दर बैड डेट्स 500, लेस कर दो कितना बचा 49,500, लेस क्या कर देंगे भाई न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितना है हमारे पास जो निकाला था हमने न्यू प्रोविजन 2475, तो कितना बन गया 10 minus 9 minus 7 2 0, और यहां पे 74725, लेस क्या कर देंगे भाई डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितना दिया था डिस्काउंट हमने ये वाला था ना ये वाला डिस्काउंट, ठीक है 941, क्या था 941, तो 5 minus 1 हो गया 4 12 minus 8 4 8, और यहां पे कितना बच गया भाई यहां पे 9 minus 0 9, यहां 6 और यहां 4 4 6 0 8 4, तो ये हमारा टोटल
जो बैलेंस शीट का आएगा वो आएगा 46084। तो जो डेटर से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट थी, इससे ज्यादा आपके पास कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में नहीं दी होगी डेटर से रिलेटेड, ना इसके बाहर दी होगी कोई डेटर से रिलेटेड। तो ये था इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या करते हैं और बैलेंस शीट में हम क्या क्या करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।